अलावा माय सेल्फ महक कपूर और मेरे साथ है निशा। वेल तो महक और मैं जो है आज बात करने वाले हैं नानू की जानू। महक आजकल कैसे कैसे नाम आ रहे हैं फिल्मों के, बहुत यूनिक यू नो। नानू की जानू, जानू। तो ऐसा लगता है जब घर जैसी फीलिंग आती है कि नानू की जानू। नानू की जानू की ट्रेलर अभी अभी रिलीज हुआ है और इसीलिए हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अभी हम दोस्तों आपको सबको ट्रेलर दिखाते हैं। स्टार्ट। कॉमेडी भी है। पहले ओपनर गायब हुआ, फिर बोलते अगला दिल के फैंस के लिए इससे ज्यादा बेस्ट जो है गिफ्ट वो कुछ और नहीं हो सकता। बहुत टाइम से लोग जो है अगर दिल को एक नए कैरेक्टर में देखने का वेट कर लेते हैं और ये ट्रेलर में तो उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी धमाकेदार लग रही है। सामने वाले का ऐसा कुटावा चढ़ा था, ऐसा कुटावा चढ़ा था, अरे सही कुटावा चढ़ा था। अंदर एक जैसी आवाज रहती है, दिल में बस और कम कॉमेडी ज्यादा है। आपका जो फ्लैश है वो आप नहीं भेज दीजिए वरना मैं गोली मार दूंगा, भेजा बाहर निकल आएगा। साइन कर। तो दोस्तों अगर आप अभय देओल को एक नए कॉमेडी कैरेक्टर में, प्रोड्यूस बाय साजिद कुरैशी। साले मैं सुबह से हवा तक नहीं हूँ। Directed by Faraz Haider. Wow, superb. 20th April को film release हो रही है. Exactly. So दोस्तों, I think ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को डर लगता है horror movie से, तो वो बेशक नहीं देखते. But ये horror comedy है. Yeah. तो मतलब ये ना ऐसा होना चाहिए ना कि अभी बॉलीवुड पे हॉरर कॉमेडी का जो ट्रेंड है पिछले थोड़े टाइम से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। फिलौरी जैसी आई थी, उसके बाद फिलौरी के बाद जो है कुछ डरावनी आई फिल्में जिनमें कॉमेडी नहीं थी, डर था। बट ये काफी टाइम बाद फिलौरी को रिलीज हुए, काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद जो है अभय देओल की फिल्म आ रही है पत्रलेखा। सच ए टैलेंटेड एक्टर, साथ में अभय देओल कितने टाइम के बाद सिल्वर स्क्रीन पर आने वाले। आई टू लव अभय देओल की जो ये एक्टिंग है ना, यकीन मानी महक मैं तो फैन हो गई हूँ यार। मैं भी सो अब हम बोलते थे अपने दोस्तों को कि फिल्मी मंत्रा की तरफ से मैं महक और निशा आपको बोल रहे हैं कि जो 20th अप्रैल को नानू की जानू रिलीज होने वाली है, गो टू योर नियर बाय थिएटर्स एंड और फिल्म जरूर देखें और देखने के बाद हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। लेकिन उसके पहले हम आपको फिल्म के ट्रेलर के बारे में बता देते हैं। फिर ट्रेलर आपने भी देखा और यकीनन अगर आपने अब तक ट्रेलर नहीं देखा था तो आप देख लिया और हमारे साथ फिल्मी मंत्रा पे अपने कमेंट्स के जरिए शेयर करके हमें बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। वेल महक, चलिए ऑडियंस तो हमारे साथ बात करेगी ही, आपको ट्रेलर कैसा लगा? मुझे ट्रेलर सुपर्ब लगा। यू नो मैं जैसे यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम कि मेरे को हॉरर मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हॉरर के साथ कॉमेडी हो तो आई एम डेफिनेटली वॉचिंग। आई मीन ये मतलब अभय देओल हमारा पंजाबी यू नो लड़का, ही इज डूइंग अमेजिंग। पत्रलेखा के साथ जिस तरीके से ट्रेलर में उनकी जो केमिस्ट्री दिख रही है, लग रहा है कि एक रोमांटिक जो कॉमेडी तो फिल्म है ही, हॉरर है, कॉमेडी लव लाइफ है, ऐसा लग रहा है कि रोमांस का जो तड़का भी है वो काफी कुछ देखने मिलने वाला है ट्रेलर में। एंड सॉन्ग जो ट्रेलर के बीच में जो सपना चौधरी का जो म्यूजिक बजता है, माइंड ब्लोइंग। वेल तो दोस्तों ट्रेलर देखिए और हमारे साथ शेयर जरूर करिए यूट्यूब पर फिल्मी मंत्रा पे कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और जैसा कि महक ने बता ही दिया है आपको कि फिल्म जो है वो 20 अप्रैल को रिलीज हो रही है, तो देखना मत भूलिएगा। yes. और जल्दी जल्दी हमारे साथ फटाफट शेयर कीजिए अपने कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ट्रेलर और फिल्मी मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बाय गाइस।